आपको ऐसा लगता है जो मैं सारे काम करती हूँ मैं ड्रामा कर रही हूँ? मुझे क्या पता, ये तो तुम बेहतर जान सकती हो। मुझे बहुत दुख होता है ये जान के कि आप इस तरह सोचते हैं मेरे बारे में। ज्यादा दुख करने की जरूरत नहीं है। बना ले मेरी माँ को मायती। सोचा होगा कि घर बैठ के खाने वाले बेरोजगार शख्स की बात कौन सुनेगा भला। ऐसा नहीं है यान, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की है, वो खफा हो गई जब उन्हें पता चला कि मैं ऑफिस नहीं जा रही। और फिर तुमने बात को बढ़ा चढ़ा के अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए कहा होगा कि मैं क्या करूं, ये तो करने के लिए मुझे अयान ने कहा था, है ना? अच्छा तो आप बता दें मैं क्या करूं। कुछ मत करो, ऑफिस जाओ। ऑफिस आप फिक्र ना करें, मेरे ऑफिस जाने से घर की जिम्मेदारियां मुतासिर नहीं होंगी। जाहिर सी बात है भाई, दोहरी जिम्मेदारियां निभाने की, अच्छी एक्टिंग करोगी तभी तो लोग तुम्हारी हिमायत करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। ये ड्रामा तो तुम्हें करना पड़ेगा। रियली? आपको ऐसा लगता है जो मैं सारे काम करती हूँ मैं ड्रामा कर रही हूँ? मुझे क्या पता, ये तो तुम बेहतर जान सकती हो। मुझे बहुत दुख होता है ये जान के कि आप इस तरह सोचते हैं मेरे बारे में। ज्यादा दुख करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस जाइए। लेट हो गई तो इसका इल्जाम भी मेरे सर पे आएगा कि मेरी वजह से लेट हुई। नहीं कोई काम है तो बता दे, मैं कर देती हूँ, लेट तो मैं हो चुकी हूँ। नहीं थैंक यू सो मच, कोई जिम्मेदारी नहीं। घर और ऑफिस संभालना आसान नहीं होता, अभी दो चार दिन में खुद ही घर बैठी भी होगी। थकन जिम्मेदारियों से नहीं होती, रवैयों से होती है। तो तुम्हारे कहने का क्या मकसद है? मेरा रवैया सही नहीं है? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो और कैसे कहा जाता? सॉरी अगर आपको बुरा लगा। सॉरी तो अंग्रेजों ने ये वर्ड बना दिया, कुछ भी करो यार ने बोल दो सॉरी। जाओ भाई ऑफिस जाओ, ऑफिस जाएंगे। मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।